अर्थे से साहेब जी मुद मंगल में सन समाज धर्म प्रेमी बंधुओं श्रद्धा मूर्ति देवी सदगुरु कहते हैं शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागे। अब मेरा मन निरंतर ज्ञान के शब्दों में रम गया और मलिन वासना का त्याग कर दिया, इसलिए अब उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कभी नहीं छूटती ऐसी समाधि लग गई। सदगुरु कबीर जब कोई साधना की बात कहते हैं तो पूरी मस्तानगी में कहते हैं, उनका जीवन ही कुछ ऐसा था विलक्षण अद्वितीय। सदगुरु कबीर का जोड़ा मिलना बहुत मुश्किल, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो चाहे समाज के क्षेत्र में हो चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो। धार्मिक पाखंडों पर साहब जब बोलते हैं जातिवाद वर्ण व्यवस्था के खंडन में जब बोलते हैं अंधविश्वास चमत्कार के खंडन में बोलते हैं तब उनकी वाणी से आग निकलती है। लगता है कि कबीर दहकती आग का पिंड जो सब कुछ को जला करके भस्म कर देगा, लेकिन यह उनके जीवन का एक पक्ष है, उनकी साधना का पक्ष देखें तो वहां पर शीतल जल का सुंदर झरना प्रवाहित हो रहा है जिसमें निमज्जन करने से मन की सारी तपन बुझ जाने वाली है। जीवन में कोई उष्मा कोई गर्मी कोई तपन के लिए स्थान नहीं बचेगा। शब्द निरंतर मनवा राता, ज्ञान के शब्दों में मन सदा के लिए लीन हो गया। क्या हमारा मन ऐसा है? क्या हम अपने को इस स्थिति में पाते हैं? वर्षों बीत गए सत्संग करते करते, संतों के पास आते जाते, यहां तक संत गुरुजनों की शरण में रहते रहते घर द्वार छोड़कर साधना के क्षेत्र में आए हुए, लेकिन मन की दशा कैसी है? हम सब जितने यहां बैठे हैं जरा सोचें, सुबह 4-5 बजे जब हमारी नींद खुलती है तब से लेकर रात में 9-10 बजे जब हम बिस्तर जाकर सोते हैं नींद लगती है तब तक 16-18 घंटे का जो समय है उसमें कितने क्षण कितना समय हमारा मन ज्ञान के शब्दों में लगा हुआ होता है और कितना समय अज्ञान में डूबा हुआ होता है। यदि ईमानदारी पूर्वक अपने मन का विश्लेषण करें तो पता चलेगा 16-18 घंटे के समय में 16-18 मिनट भी मन ज्ञान में डूब जाए तो जीव बहुत बड़ी बात होगी।
सब समय अज्ञान में डूबा रहता है। परिणाम क्या होगा? मलिन वासनाओं में मन का चक्कर काटते रहना, कुछ काम नहीं आएगा, धन के पीछे, परिवार के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे कुछ भी, कितना भी हम दौड़े कुछ भी काम नहीं आएगा। क्या आए काम आएगा? सच्चा ज्ञान और ज्ञान के अनुसार स्थिति। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए मन में कितनी बेताबी है। दुनिया अंधी, भीड़, भेड़िया धसान, सस्ता नुस्खा चाहिए लोगों को, करना कुछ भी ना पड़े। मौनी अमावस्या के दिन सुबह इतने बजे, बड़ा सुंदर पर्व है, इस समय तो संगम में डुबकी लगाएगा सीधा स्वर्ग या मुक्त हो जाएगा। देखो कितनी भीड़ जुट गई, बिना बुलाए कहां कहां से लोग, कितनी तकलीफ सह करके, कितने पैदल चल करके संगम तक पहुंचे। जो लोग घर में 6 बजे 7 बजे से पहले नहीं उठते थे, गद्दा रजाई गल्लब के गद्दे पर बंद कमरे में रजाई ओढ़ करके सोए रहते थे, वे लोग थोड़े में मुक्ति पाने के लिए रात भर गंगा की रेत में सोए रहे। अब वो भी थोड़े से कपड़ों में, कितने भटक गए हैं लोग। लोग कहते हैं आस्था आस्था, ठीक है आस्था का अपना महत्व है, लेकिन ऐसी अंधी आस्था कभी क्या मतलब होता है। गंगा में नहाए मुक्त हो गए, क्या पहचान है गंगा में नहा करके मुक्ति होने का। गंगा से नहा करके निकलो, और जैसे गंगा नहा में डुबकी लगाकर नहा करके निकले, मन से काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा भय वैमनस्य की भावना समाप्त हो जाए, तो समझ लो सचमुच में गंगा नहाने से मुक्ति मिल गई। गंगा में नहा करके निकले, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ मोह, वही राग द्वेष, यहां तक गंगा में नहा कर, गंगा से नहा करके निकले, कपड़े पहने, जेब से निकाले चुनौती तंबाकू और चुनक डिबिया रगड़ करके फांके, तंबाकू नहीं छूटा, मुक्ति कैसे मिल जाएगी। गंगा आपके तंबाकू को भी छोड़वा नहीं पा रही है, हाँ मोक्ष दे देगी। कुछ भी परिवर्तन नहीं जीवन में, सस्ता नुस्खा। और गुरु लोग भी ये बता रहे हैं, नाना मत के गुरुओं को ये चिंता नहीं है कि समाज में नैतिकता का, सदाचार का, ईमानदारी का, बड़ों प्रति आदर श्रद्धा सेवा का भाव कैसे पनपे, समाज कैसे सदाचारी ईमानदार और नैतिक बने, सच्चे धर्म का आचरण कैसे करे, इसकी कोई चिंता नहीं। जाकर के देखो मेले में, कहीं रामलीला होती होगी, कहीं रामलीला होती होगी, कहीं भगवान के नख का वर्णन होता, कहीं भगवान के आंख का, कहीं भगवान के नाक का, कहीं भगवान के कान का, भगवान शरीर ऐसा, भगवान का शरीर वैसा। अरे भगवान शरीर जैसा ही रहा होगा वो होगा, उससे क्या मतलब होता है। खाली महिमा की बात बताई जा रही है, जीवन का आचरण तो कोई मतलब नहीं। और शिकायत क्या है, जमाना बहुत बिगड़ गया है, भ्रष्टता बढ़ गई है, बेईमानी बढ़ रही है, दुराचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है,
जब आप इसकी सीख दे रहे हो तो यही तो बढ़ेगा ना। बार बार जब ये कहा जा रहा है गंगा में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, राम का नाम एक बार ले लो, एक बार राम का नाम लेने से उतना पाप कर सकता है जितनी आप पूरी ताकत लगा करके हजारों जन्मों में नहीं कर सकते। तो जब राम का नाम इतना बड़ा एटम बम हो गया है तब पाप करने से आदमी डरेगा क्यों? पाप करते रहो, राम का नाम जपते रहो, सब पाप करता रहेगा। पाप करने की खुली छूट दी जा रही है इन नाना मत के गुरुओं द्वारा लोगों को, क्योंकि अमुक नाम का जप करो, अमुक मंत्र का जप करो, अमुक नदी में नहा लो, बस पाप भस्म हो गए। तो पाप से डरेंगे क्यों लोग? और इतना करो, चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, चाहे मिलावटबाजी करो, चाहे घोटाला करो, चाहे जितना बेईमानी बदमाशी करो, उसमें से कुछ लाख रुपये इन गुरुओं को दे के चरणों में जाकर के भेंट कर दो, फिर आप कहेंगे यहां तो अमुक बड़े धर्मात्मा ने इतना लाख रुपया दिया। घोटाला करके, बदमाशी करके, हिंसा हत्या करके, यहां तक आप कसाई खाना भी चलाओ और कसाई खाना के मुनाफा में से 2-4-10 लाख रुपया किसी महात्मा को दे दो, आप हो जाएंगे धर्मात्मा। तब लोग पाप करने से हिचकेंगे क्यों? खुली छूट दी जा रही है। लेकिन ये समझ लें, जितने हम आप गलत कर्म करेंगे उनका फल हमें और आपको भोगना पड़ेगा। कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई देवी, कोई देवता, कोई गंगा आपके पाप को काट नहीं सकते। जिन भगवानों का नाम लेकर के आप पाप काटना चाहते हैं, जिन भगवानों का नाम लेकर के आप दुनिया से मुक्त होना चाहते हैं, उन भगवानों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। कहां जाएगा कर्म का फल? इसलिए धोखे में ना रहें, गंगा नहाए, राम का नाम जपे, गायत्री मंत्र जपे, ओम जपे, गुरु का नाम जपे, सतनाम जपे, जहां आपकी भावना है वो सब जपे, उसका खंडन नहीं है। लेकिन इनके जपने से आपका पाप कट जाएगा, आपको बुरे कर्मों का, पाप कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। मैं कह रहा था कि सही दिशा, सही बोध, सही ज्ञान की आवश्यकता है, और यही जीवन की साधना है। अपने मन को हम ऐसा बनाएं कि मन ज्ञान में ही रमन करने लग जाए, ज्ञान में डूब जाए, सब समय ज्ञान की बातों का स्मरण करते, ज्ञान की बातों का स्मरण करने करते क्या है? शरीर संसार की नश्वरता का बोध, विषयों की जो वासना है उसकी दुख रूपता, बंधन रूपता का स्मरण, ये सोचें कि शरीर आजकल में नष्ट हो जाने वाला है, बिगड़ने वाला है, जितने संयोग है सबका वियोग हो जाने वाला है, सारे विषय अंत में दुखद हैं, वह बंधन में डालने वाले हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, जन्म में मृत्यु में जरा में व्याधि में विषय वासना में दुख और दोष का बारंबार दर्शन करना, बारंबार स्मरण करना, और अपने चेतन स्वरूप की अमरता, निर्मलता, पवित्रता, अखंडता का स्मरण करना, यही है मलिन वासना का त्याग होना, यही है मन का ज्ञान के शब्दों में रमन करना। साहब कहते हैं शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, अब मेरा मन
निरंतर ज्ञान के शब्दों में लीन हो गया, तो ऐसा कोई भी कह सकता है। इसकी पहचान क्या है? चाह कहते हैं मलिन वासना त्यागी, मन से मलिन वासना का त्याग, देखने सुनने खाने पीने भोगने की कुछ भी वासना ना हो, सारी जितनी वासनाएं हैं सब केवल पीड़ादायक भटकाने वाली, जीवन निर्वाह के लिए काम करो, सेवा करो, मन मलिन बने तक कुछ नहीं करें। जैसे काम की वासना जीव को भटकाने वाली है, भवसागर में डुबाने वाली है, ऐसे ही सम्मान की वासना, प्रतिष्ठा की वासना, गुरुवाई और महंती की वासना, ये भी भवसागर में डुबाने वाली और भटकाने वाली है। सेवा करें, लोग प्रशंसा करते हैं, उन लोगों की विशेषता है, अपने को किसी पद से प्रतिष्ठा से ऐश्वर्य से जोड़ करके हम बड़ा ना माने, किसी योग्यता से जोड़ करके बड़ा ना माने, जितनी योग्यता है जो बुद्धि है वो आत्मकल्याण के लिए है और सेवा करने के लिए है। बस सेवा करना हमारा धर्म है, सेवा करने से चित्त शुद्ध होगा और शुद्ध चित्त से ही साधना ज्ञान वैराग्य भक्ति का काम बढ़िया बनेगा। तो सेवा करें, मन में वासना किसी की न बनाए, मलिन वासना त्याग, सदगुरु कहते हैं सारी मलिन वासना का त्याग, देखते रहे मन को कोई गलत वासना तो नहीं हो रही, गलत बात तो नहीं हो रही, गलत चिंतन नहीं उठ रहा है, केवल मन को देखें और देख देख करके उसे साफ करते रहें। उठत बैठत कब उन छूटे ऐसी तारी लागी, साहब कहते अब तो ऐसी तारी लग गई, ऐसी समाधि लग गई कि उड़ते बैठते खाते पीते कभी छूटती नहीं है, ठाढ़े बैठे लेटे उतान कहें कबीर हम एक समान। साहब मस्ती में कहते हैं, खड़े हैं बैठे हैं लेटे हैं उतान चित सोए हैं, हम एक समान हैं सब समय। मैंने शुरू में कहा था कबीर सदगुरु कबीर पूरी मस्तानगी में अपनी बात कहते हैं, वो कौन सी समाधि है जो किसी समय नहीं छूटती, वही समाधि है मन का दृष्टा बना। मैंने कल या परसों कहा था, शौचालय में बैठे हैं, खलिहान में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, भोजनालय में भोजन कर रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, मन को देखते रहें, सब समय मन को निर्मल बना करके रखें और आत्मस्मरण करते रहें। आत्मस्मरण और मन की निर्मलता ये ऐसी समाधि है जो सब समय बनी रह सकती है। आप मन निर्मल है, आत्मस्मरण करते करते, स्वरूप भाव चिंतन करते करते बिस्तर पर जाएं और उसी भाव में सो जाएं, सुबह जब उठेंगे तो वही भाव रहेगा, भीतर हम जो मन में डालेंगे वही तो बाहर निकलेगा। संस्कार को अपना ऐसा बना लें कि किसी प्रकार का कुचिंतन मन में ना आने पाए, कुचिंतन रहित मन, आत्मचिंतन में स्वरूप भाव में डूबा हुआ मन, निर्मल मन, यह उड़ते बैठते कभी नहीं छूटने वाली समाधि है। और कोई भी आदमी ऐसी समाधि में का अनुभव कर सकता है, आवश्यकता है निरंतर अभ्यास की, उधर ध्यान देने की। जितने प्रकार के नाम जप हैं, जितने प्रकार के पूजा पाठ कर्म कांड हैं, कथा कीर्तन आदि हैं, ये सब थोड़े समय के लिए है, ये सब कहते हैं चटुआ के समान है। छोटा बच्चा होता है, रोता है, माँ मुंह में चटवा दे देती है, बच्चा उसको चूसता रहता है, थोड़े देर के उसका रोना बंद हो जाता है, लेकिन कब तक? चटवे से बच्चे की भूख दूर नहीं होगी, अंत में उसे सच्चा दूध पिलाना पड़ेगा। ऐसे ही ये सब
अमुक नाम का जप, अमुक नाम का जप, अमुक पूजा, अमुक पाठ, अमुक कथा, अमुक कीर्तन, अमुक मंदिर में जाना, ये सब चटुवे के समान है। इससे मन की पीड़ा दूर नहीं होगी, मन का भटकाव दूर नहीं होगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। मन का भटकाव तो तब दूर होगा, तृप्ति तब मिलेगी जब आत्मबोध होगा, बाहर से विषयों की वासना का त्याग होगा और मन निर्मल होगा। कुछ नहीं चाहिए, सब में भरा मन, भरा भरा मन, भरा भरा मन। दुनिया से अब तक आपको मिला क्या है, जरा सोचें। जब से होश संभाले हैं, दुनिया के पीछे दौड़ते रहे हैं, दुनिया के भोगों से आनंद पाने की कल्पना करके भोगों में डूबते रहे, कितना आनंद बटोरा है, कितना मन तृप्त हुआ है। इस सारे विषय भोग खुजली के समान है, शरीर में खुजली होती है, खुजलाव से तो बड़ा अच्छा लगता है, छोड़ दो तो दर्द और बढ़ जाता है। इस सारे के सारे भोग खुजली के समान, जब इंद्रियां भोगों में लगी, मन थोड़ा देर के लिए शांत हो गया, लगता है भोगों से आनंद आ रहा है, लेकिन जैसे हटे तृष्णा और बढ़ गई, मन और चंचल हो गया, फिर बार बार उधर मन खींच रहा है। क्या मिला आज तक दुनिया से? केवल चांटा ही मिला, तृष्णा मिली, पीड़ा मिली, असंतोष मिला, और क्या मिला? आत्मबोध प्राप्त करें, सदाचार संयम से जीवन को व्यतीत करें, सारी गंदी वासनाओं का, विषयों का त्याग करें, मन को निर्मल बना दें, फिर क्या करना और क्या पाना रह जाएगा? कुछ नहीं, जीवन कृतार्थ, सब समय की समाधि। ऐसा ही बनाना पड़ेगा मन को, थोड़े समय मुक्त हो गए, बाद में मन विषयों में डूबा हुआ है तो काम थोड़े चलेगा। पूरा सब समय यह पूछा जा सकता है, साहब मन को कितने समय तक रखें निर्मल बने रखें? कितने समय तक नहीं, पूरा का पूरा जीवन। 11 घंटा हमारा मन निर्मल रहा और 10 मिनट के लिए हमने मन को कर लिया गंदा, तो 11 घंटे की निर्मलता सब मिट जाएगी। इसलिए पूरा का पूरा, जरा सोचो, एक आदमी है, पूर्ण संयमी है, तन मन वचन से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, एक दिन खाली व्यभिचार कर लेता है, काम चलेगा? बड़ा ईमानदार आदमी, बड़ा ईमानदार आदमी, बड़ा ईमानदार आदमी खाली एक दिन दिवाली दिन, एक दिन त्योहार दिन चोरी कर लेता है, काम चलेगा ना? बड़ा शाकाहारी पानी ही पीता है, बिना छाने पानी भी नहीं पीता, बिना छाने पानी शौचालय भी नहीं जाता, इतना ध्यान रखता है, खाली एक दिन मांस खा लेता है साल भर में, काम तो चल जाएगा ना? तो जैसे कोई साल भर बंदारी रहता है, एक दिन व्यभिचार कर लेता है, साल भर तक शाकाहार करते हैं, एक दिन मांसाहार कर लेता है, साल भर ईमानदार रहते हैं, एक दिन चोरी कर लेता, काम नहीं चलेगा। ऐसे ही 10 घंटा मन को निर्मल रखें और 5 और एक आधा घंटा मन को गंदा कर लें तो काम नहीं चलने वाला है, पूरा जीवन निर्मल रखना पड़ेगा। अब यह होगा कैसे? साधना से, अभ्यास से, निरंतर का अभ्यास। और कोई भी ऐसा कर सकता है, हम लोगों को इसी रास्ते में जाना है, इसके अलावा कहीं कल्याण का, मुक्ति का, शांति का, परमानंद का कोई रास्ता ही नहीं है। आप किस मत को मानते हैं, किस परंपरा के अनुयायी हैं, किस गुरु से दीक्षित हुए हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं, कौन सा मंत्र जपते हैं, यह आपका विश्वास। इसमें सदैव विभिन्नता रहेगी, कभी एक रूपता हो ही नहीं सकती। लेकिन चाहे राम को माने, चाहे रहीम को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे करीम को माने, चाहे हनुमान को माने, चाहे गणेश को माने, चाहे पार्वती को माने, चाहे महादेव को माने, चाहे कबीर को माने, चाहे बुद्ध महावीर को माने, चाहे मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, सबको संयम, सदाचार, मन की निर्मलता और आत्मबोध की आवश्यकता है।
इसका खंडन कोई नहीं कर सकता। यही है सच्चा धर्म, यही है सच्ची साधना, यही है सच्चे अध्यात्म का पथ। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभन छूटे ऐसी तारी लागी। अब मेरा मन निरंतर ज्ञान के शब्दों में लीन हो गया है, सारी वासनाओं का त्याग हो गया, इसलिए उड़ते बैठते खाते पीते कभी नहीं छूटते ऐसी समाधि लग गई है। कहत कबीर, सहज यह रहनी सो प्रगट करी गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सदगुरु कबीर कहते हैं, जीवन की एक सहज रहनी है, एक स्वाभाविक रहनी, सहज दशा है, जिसे मैंने प्रकट करके खोल करके लोगों के सामने कह दिया है। जीवन के हर कर्म को पूजा बनाकर बनाए, जो काम करें पूजा समझ करके करें, ये समझे कि ये पूरी दुनिया भगवत मंदिर है, नर नारी देवी देवता है, जहां जा रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं, सो रहे हैं दंडवत कर रहे हैं, खुले नेत्रों से हंस हंस करके प्राणी रूपी परमात्मा का दर्शन हो रहा है, मन से मलिन वासना का त्याग हो गया, जीवन ज्ञान के शब्दों में लीन हो गया, अवसर से कहीं बाहर जाता ही नहीं है, यही जीवन की स्वाभाविक दशा। जितने भी विकार हैं सब अस्वाभाविक हैं, आयातीत है, बाहर से आया हुआ, संबंध से आया हुआ है। यदि मैंने कहा था कि कोई भी विकार हमारा स्वरूप नहीं हो सकता, हमारा स्वभाव नहीं हो सकता, यदि कोई विकार हमारा स्वभाव होता तो हमारे लिए वो दुखदायी नहीं होता और हम उसका त्याग नहीं कर पाते। हमारा स्वभाव क्या है? निष्कामता। पूरा जीवन निष्कामता में हम जी सकते हैं, लेकिन काम की वासना में पूरा जीवन नहीं जी सकते। पूरा जीवन क्या, आप दो चार घंटा भी काम निरंतर काम की वासना में नहीं रह सकते, कुछ देर के लिए काम की वासना आती है और आदमी कितना व्याकुल विफल हो जाता है, अपने आप में रह नहीं पाता। तो काम आपका स्वभाव कैसे हो सकता है, उसमें सब समय जीवन भर कैसे जी सकते हैं, लेकिन निष्कामता में पूरा जीवन जी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि और अधिक शांति, परमानंद, प्रसन्नता। निष्कामता आपका सहज स्वभाव है, निर्लोभता आपका सहज स्वभाव है, क्षमा दया करना आपका सहज स्वभाव है, ईमानदारी आपका सहज स्वभाव है, सत्य आपका सहज स्वभाव है, निर्मलता आपका सहज स्वभाव है। साहब कहते हैं, जीवन की रहनी को, जीवन की दशा को मैंने अच्छी तरह से खोल करके रख दिया है, पूरी बात स्पष्ट रूप से समझा दी है और अब इसी रास्ते में चलने की केवल आवश्यकता है। सुख दुख से एक परे परम पद, साहब कहते हैं एक ऐसा पद है जो परम पद है, वो कैसा है, सुख दुख से परे है, लेकिन साहब ये भी कहते हैं सो पद है सुखदाई, वही पद सुखदाई है, जब सुख दुख से परे है तो सुखदाई कैसे होगा। यहां जो सुख दुख से परे है वह सुख दुनिया का सुख, वैश्विक सुख, सुख की अपेक्षा से दुख होता है, दुख की अपेक्षा से सुख होता है, किसी चीज की इच्छा हुई, इच्छा होते ही अब मन खलबल आ गया, व्याकुल हो गया, दुखी हो गया, वो चीज कब मिले कब मिले कब मिले, नहीं मिला है तब मन दुखी है, बेचैन बने उसके लिए बड़ा भाग दौड़ कर रहा है, मिल गई वस्तु मन खुश हो गया, उसको भूखने लगा, मन में सुख आने लगा, लेकिन ये सुख कब तक रहेगा। जैसे ही उस पदार्थ से हमारा वियोग होगा दुख फिर शुरू हो जाएगा, फिर तृष्णा बन जाएगी। दुनिया का कोई भी सुख स्थिर रहने वाला नहीं है और वही सुख दुख के सागर में हमको डुबाता है। कोई
कोई ऐसा सुख नहीं है जो स्थिर रहने वाला है। पति पत्नी मिलन का सुख, स्वाद का सुख, रूप का सुख, शब्द का सुख, स्पर्श का सुख, गंध का सुख, पूजा प्रतिष्ठा का सुख, मान सम्मान का सुख, अधिकार शासन का सुख, कौन सा सुख स्थिर रहने वाला है? सब सारे सुख क्षणिक, परिणाम में तृष्णा, कुसंस्कार, वासना उत्पन्न करने वाला और अंत में दुखदायी। स्थिर रहने वाला सुख कौन है? सदा रहे सुख संयम अपने, अपने संयम का सुख, निष्कामता का सुख, निर्लोभता का सुख, आत्मस्थिति का सुख, ये सब समय रहने वाला है। और ऐसा सुख कोई भी आदमी प्राप्त कर सकता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। गुरु कहते हैं यदि तुम मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ दो, और आशा छूटी तो क्या हुआ, हो गए निराशा, निराश, बस सुख हो गए। यहां निराश होने का अर्थ क्या है? उदास होना, हताश होना नहीं। निराश होने का अर्थ है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में तृप्त हूं, यह भाव। मुझे ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं निष्काम हो गया हूं, निर्चाह हो गया हूं, ऐसे तुम हो जाओ, सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। चाह मिट गई, चिंता मिट गई, मन बेपरवाह हो गया। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहंसा। एक संत एक बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उधर से राजा की सवारी निकली। राजा ने संत को देखा, चेहरे से बड़ी शांत, चेहरे में बड़ी सौम्यता, प्रसन्नता। राजा प्रभावित हुआ, क्योंकि राजा शांति तो चाहता है लेकिन शांति का अनुभव नहीं हुआ था। प्रसन्नता चाहता, प्रसन्नता का अनुभव वहां कहां हो सकता है? तो संत को देख करके राजा प्रभावित हुआ, बड़ी शांति के चेहरे पर है। गए पास में बैठे, फिर राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? राजा था तो अहंकार थोड़ा सा होता ही है, थोड़ा अहंकार पूर्वक प्रश्न पूछा राजा ने, आप कौन हैं? संत समझ गए। संत ने पूछा, पहले ये बताओ कि आप कौन हैं? तो संत ने कहा, देखते नहीं हो मेरे हाथी घोड़े फौज फक्कर, मैं एक राजा हूं। तो संत ने कहा, मैं महाराजा हूं। राजा ने कहा, एक खाली लंगोटी पहने बैठे हो फटी चटाई में, और पास में फूटी हंडी रखी हुई, कहते हो महाराजा हो, कहां है आपका राज्य? अरे राजा के पास सेना होती है, राजा के पास खजाना होता है, राज्य होता है, कहां है आपका राज्य, कहां है आपकी सेना, कहां आपका खजाना? तो महात्मा ने कहा, सेना की आवश्यकता उसको होती है जो भयभीत है, मुझे कोई भय ही नहीं। तुम भयभीत हो इतनी इतनी सेना लेकर चल रहे हो, मुझे सेना की क्या जरूरत, कोई भय ही नहीं है, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है बाहर, इसलिए मुझे सेना की क्या जरूरत है? तुम भयभीत हो, तुम हो, तुम्हारे मन में तमाम कामनाएं, तमाम लोगों की संपत्ति को लूट लूट कर घर में भरे हो, इसलिए तुम्हें फौज की आवश्यकता है, शत्रु बना लिए हो, मेरा कोई शत्रु नहीं है, इसलिए मुझे सेना की आवश्यकता नहीं, मैं बिना सेना के महाराजा हूं। और यही मेरे खजाना की बात, तुम्हारा खजाना तो कभी छीन सकता है, मेरा खजाना ज्ञान का खजाना, भक्ति का खजाना, वैराग्य का खजाना, आत्मा का खजाना मेरे भीतर है। वह ऐसा खजाना है जो कभी छूट नहीं सकता, और अखंड आत्मा का राज, शांति का राज मेरे अंदर में फैला हुआ है, इसलिए मैं महाराजा हूं। अच्छा ये बताओ, तुम रात में ठीक से सो पाते हो? गहरी नींद तुमको आती है? राजा ने कहा, महाराज कहां गहरी नींद आती है, हमेशा मन में बेचैनी बनी रहती, तनाव बना रहता है,
संत ने कहा, और मैं यहाँ बाग में इस फटी चटाई पर पूरी रात एक नींद में सो जाता हूँ, बताओ तुम अच्छे हो कि मैं अच्छा हूं। राजा ने कहा, संत ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो राजा ने कहा महाराज ये पास मेरे पास में एक जो छोटा राज्य है उस राज्य पर हमला करने जा रहा हूं ताकि मेरा राज्य और बढ़ जाए, मैं बड़ा राजा बन जाऊं। तो महाराज महात्मा का कहा तुम तो महादरिद्र आदमी हो, जिसे दूसरे की संपत्ति को हड़पने का मन हो वो तो होगा दरिद्र, तुम कहां महाराजा हो। तो जो राजा है वो सुखी कहां है, रात दिन पाप में डूबा हुआ है। जिसे भीतर का राज्य मिल गया, अखंड आत्मा का राज्य, ज्ञान का राज्य, ज्ञान का खजाना मिल गया, उसके समान सुखी और कौन सा हो सकता है। वही जो आत्मा का राज्य है, वही जो ज्ञान का राज्य, धर्म का राज्य है, वो आपका असली स्वरूप है, सहज स्वरूप है, वो कभी न बिछुड़ने वाला। लेकिन अज्ञान में हम उसको भूल गए हैं, उसकी याद नहीं करते, इसलिए दरिद्र बनकर के, विपन्न बनकर, दुखी बनकर के भटक रहे हैं। आप सम्राट हैं, आप दीनहीन नहीं हैं, आप भिखारी नहीं हैं, आप तुच्छ नहीं हैं, आप भव के भूषण हैं, आप सम्राटों के सम्राट हैं, शाहनशाह हैं। आप जैसा सम्राट और कौन हो सकता है, मनुष्य दुनिया का सम्राट। लेकिन चाहना कर करके, चाहना कर करके अपने को दिन बना दे, जितनी चाहना करेंगे दुनिया से जितना सुख पाएंगे, दुनिया के भोगों में जितना उलझेंगे उतना दरिद्र बनते चले जाएंगे। दुनिया के भोगों को भोग भोग करके आज तक कौन तृप्त हुआ है। भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भर्तृहरि जी कहते हैं भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोग नहीं मुझे भोग डाला, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, शरीर ही जीर्ण हो गया, भोग का परिणाम ही होने वाला है। ये तो भोग आपका सहज स्वरूप नहीं हो सकता है। सहज स्वरूप क्या है, त्याग, निष्कामता, निर्लोभता, निर्मलता, पवित्रता आपका सहज स्वरूप है। सदगुरु कबीर कहते हैं उसे मैंने प्रकट करके गाया है, और वो कहता है सुख दुख से एक परे परम पद। ये दुनिया के सुख, वैश्विक सुख, सम्मान का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, इससे भी परे है, और मन की जो तृष्णा है जो दुख का कारण बनती है उससे अलग, वो क्या है, सो पद है सुखदाई, वह पद सुखदाई है। कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में तृप्त, निष्काम, ऐसा सुख है कभी घटने वाला नहीं, और वह सुख सब समय रहने वाला है, अमरता देने वाला है। उस दशा को हम समझें।